हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। और टुडे वी स्टडी द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटीज। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वहीं से, कैपेसिटीज से, उसमें के जितने भी आप लोगों को डेफिनेशन हो गया, वैल्यू हो गया, उसको याद रखना आप लोगों के लिए मस्ट है। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यू ऑल टू अटेंड द लास्ट लेक्चर, ओके गाइस, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखेंगे, जिसमें आप लोगों को जब आप लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का देखोगे पिछले लेक्चर में, तो ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग हीमोग्लोबिन देखते हैं, ठीक है। आज हीमोग्लोबिन को एक बार हम रिवाइज करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज पिगमेंट है, रेड पिगमेंट है, जो मैमल्स में प्रेजेंट होता है, कहाँ? इन आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन आरबीसी, और आरबीसी में और कुछ रहता ही नहीं है। देर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो गॉल्जी बॉडी, नथिंग एल्स। इसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन, इट इज बैग ऑफ हीमोग्लोबिन, सिर्फ हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए आरबीसी एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया या गॉल्जी बॉडी ऐसा कुछ रहता नहीं है जो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। दैट्स वाई इसका जो रेस्पिरेशन रहता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन रहता है, ठीक है। देखो इसका नॉर्मल काउंट, फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल काउंट इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है? अराउंड 12 टू 16 ग्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन कितना मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज 1.4 मिलीलीटर। और अराउंड हम लोग कितना लेंगे? 15 मिलीलीटर। 15 मिलीलीटर को इंटू करो तो 15 इंटू 1.34, दैट विल बी द अराउंड 20 मिलीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। और ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कंटेन कर सकते हैं? मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कि हीमोग्लोबिन का उतना ज़्यादा एफिनिटी नहीं होता ऑक्सीजन को कंटेन करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर या फिर मुश्किल से वो कंटेन करता है। पहला ऑक्सीजन को तो कंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है, मतलब बहुत अगर प्रेशर देते हैं तभी वो जाके ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि थोड़ा सा भी प्रेशर टिश्यू में बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा भी प्रेशर बढ़ गया टिश्यू में तो क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ के CO2 के साथ बाइंड करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देता है। तभी तो जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू के पास जाता है, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है कि थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड में तो फिर ऑक्सीजन कैसे टिश्यू में जाता, ठीक है। तो देखो फोर ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू 100%, ठीक है। 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 75%, 2 ऑक्सीजन कितना होता है 50%, और 1 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1%, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। और हीमोग्लोबिन बफर का भी काम करता है, कैसे? हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, देखो
H2O plus CO2 मिलके क्या बनाता है, H2CO3। ठीक है, फर्दर ये डिसोशिएट करके क्या बताता है, बाइकार्बोनेट एंड प्लस H प्लस। और मैं आप लोगों को बताई थी जो H प्लस होता है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे ब्लड में, तो क्या करता है जो HB रहता है वो इससे बना के H प्लस करके ये बनाता है, तभी ये हट पाता है। अदरवाइज अगर हमको इसको ऐसे खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारे ब्लड में जो ये है एसिडिटी बढ़ा देगा। इसके कारण जो हीमोग्लोबिन है ये भी काम करता है हीमोग्लोबिन। और आप लोगों को लास्ट लेक्चर इसलिए रिकमेंडेड हो रहा है कि इसमें के जितने भी लेक्चर्स हैं इतने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ओके गाइस, हाँ, इसको ये बफर जैसे भी एक्ट करता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ बफर। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे इट्स कंप्लीटेड। ठीक है, इट इज अ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को मैं एक बार आप लोग को एनसीईआरटी में दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को इसको कैसे बनाना है वो भी बताऊंगी। ठीक है, देखो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और नहीं दिख रहा तो आप लोग अपने एनसीईआरटी अपने पास खोल के रखो, साथ में पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ये कर्व है। ठीक है, जो 100 है वो कहाँ तक रहता है, 95 अप टू 95 में यहाँ आता है। ठीक, जो 75% है, ठीक है, जो हम लोगों को इसमें अकॉर्डिंग टू द कितना हीमोग्लोबिन एक साथ जुड़ा है। ठीक है, तो पहले 4 का देखेंगे, 4 हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 100% होता है, 3 हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 75% होता है, 2 हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 50% होता है, एंड 1 हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू 25% होता है। तो हम लोग इसको परसेंट के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, और इसको वैसे ही देखा जाता है ऑलरेडी। ठीक है, 100 में 95 तक, 75 से 40 में देखते हैं। ठीक है, 50 में अराउंड 30 रहता है, एंड 25 में अराउंड 20 रहता है। ठीक है, अब देखो इसको बनाना है, आप लोग ऐसे नहीं बनाओगे। ठीक है, जैसे हम लोग ग्राफ पेपर में बनाते हैं हम लोग वैसे बनाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, दैट इज आवर परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ, चलो इधर देखते हैं यार, इस पेज में अच्छे से बड़ा सा बनाएंगे। परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, विथ ऑक्सीजन, और इधर का रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एमएफ मर्क्यूरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एमएम इन मर्क्यूरी। ओके गाइस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दैट इज आवर एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर 100 है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग 100 बना लेते हैं। ये बनाने का तरीका देखो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर 80। ठीक है, देयर इज द 60, ईयर 40 एंड ईयर 45, सॉरी 20। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को कैसे बनाना है,
4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होता है 100% में देखना है, 3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 75% एंड 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू हाउ मच 50% एंड 1 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 25%। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, इतना अब हम लोगों को इसको एज अ ग्राफ टाइप का बनाना है, जैसे हम लोग ग्राफ पेपर में बनाते हैं, ताकि उसमें एस ऐसे सीधा बनाएंगे तो नहीं बनेगा, विद द हेल्प ऑफ पॉइंट करके बनाएंगे, उससे अच्छे से समझ में भी आएगा और बनेगा भी। ठीक है, ये हमारा 100 पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन में लेंगे और यहाँ से अप टू 95, तो यहाँ से हम लोग ऐसे करते जाते हैं। ठीक है, पहले इधर को भी लाइन कर लेते हैं ताकि ठीक है, यहाँ 1 पॉइंट, उसके बाद 75% यहाँ रहेगा, 75% में अप टू 40 में रहता है। ठीक है, यहाँ पर होगा 80, 60, 40 and 20 या 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे 50%, 50% यहाँ रहेगा, 50% में अप टू 30 में रहता है, तो 30 कहाँ है, ये यहाँ, सॉरी इसको दूसरे पेन से मैं करती हूँ। ठीक है, ये रहेगा हमारा पॉइंट। ठीक है, एंड उसके बाद आएंगे हम लोग 25% में, ये यहाँ रहेगा 25%, 25% अप टू जाएगा 20 में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब पॉइंट को जोड़ते हैं, ठीक है, दैट इज अवर सिग्मोइड कर्व। ये थोड़ा थोड़ा एस शेप का भी दिखता है, दैट इज कॉल्ड इज द सिग्मोइड कर्व। अब यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये बनाने के लिए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 100 से अगर 95 रहता है, 95 हमने कहाँ देखा था, याद करो, दैट इज़ अ 95 mm ऑफ Hg हमने देखा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखा था। ठीक है, ये हम प्रेजेंट होते हैं पूरे इन लंग्स में। ठीक है, ये लंग्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जो 40 है इसको हम लोग कहाँ देखे थे, याद करो, या तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहते हैं या हमारे टिश्यू में रहता है। ठीक है, टिश्यू, अब टिश्यू में क्यों कम हुआ, क्योंकि अब ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो 5 ml ऑफ 5 ml कैसे देखो, ये 20 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये 100% है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 100% है, 100% से अगर 25% क्या होगा, दैट इज़ अ 5 ml ये टिश्यू को देगा। तो देखो मैं यहाँ पर बनाती हूँ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, दिस इज़ आवर ब्लड कैपिलरी। ठीक है, यहाँ पर 20 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। अब हम इसको देंगे टिश्यू में, ये हमारा टिश्यू है। ठीक है, अब हम इसको देंगे 5 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, कब होगा, जब हम एकदम रेस्ट में रहते हैं, एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस लेटे हुए हैं, तब हमारा इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता टिश्यू को। ठीक है, उसके बाद 50%, यहाँ पर कितने होते हैं,
3 ऑक्सीजन, ठीक है 25% में, और यहाँ होते हैं 4 ऑक्सीजन, ओके। उसके बाद 50 में कितने होते हैं, 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है 2 ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर कम हुआ, इसमें कितना होता है 40 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम हुआ कितना होगा 30 mm ऑफ Hg। अब यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है थोड़ा सा लिटिल वर्क। हमको अब और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो अब हमारा ब्लड और ऑक्सीजन देगा हमारे टिश्यू को, अप टू कितना देगा 10 ml ऑफ ब्लड, ठीक है सॉरी 10 ml ऑफ ऑक्सीजन देगा हमारे टिश्यू को। अब खुद कितना रखेगा, सिर्फ 50% खुद के पास रखेगा, हमारे टिश्यू को देंगे 50% खुद के पास रखेंगे। अब फिर से थोड़ा सा अब हम भागा दौड़ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है टिश्यू में आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना टिश्यू को ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा ब्लड का। अब वो कितना देगा 75% ऑफ ब्लड, कितना होगा 20 ml का 75% कितना होगा, देयर शुड बी द 15 ml, ठीक है। तो अब 15 ml ब्लड देगा जब हम लोग विग्रस एक्सरसाइज करेंगे तो, ठीक है विग्रस एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में इसका फैक्टर्स भी देखेंगे, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसमें, और खुद के पास कितना रखेगा सिर्फ 25%, 5 ml ऑफ ब्लड खुद रखेगा और 75% टिश्यू को दे देगा, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा हीमोग्लोबिन और ये, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाई अल्टीट्यूड में कैसे राइट शिफ्ट में होता है, कैसे लेफ्ट शिफ्ट में होता है, क्या उसका फैक्टर्स है इसको देखेंगे। तो आज का लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके गाइज थैंक्स।